Hi guys, welcome to BPrep, where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. Suppose one wishes to find distinct positive integers x, y such that x plus y by xy is also a positive integer. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x और y positive distinct integers हैं. तो इसको समझने का ट्राई करते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, कैट 93 पेपर का है, पर फिर भी मैंने पिक किया है क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वैसे पिक करता हूँ जिसमें छोटे ही सही ऐसे फंडामेंटल्स घुसे होते हैं जो आज भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग उन फंडामेंटल्स को कवर कर लेंगे तो हम लोग का बेड़ा पार है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. तो चलो इसको देखते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है. फाइंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई. तो अब देखो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई, और क्या बोला हुआ है इन दोनों के बारे में. पहला तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, पॉजिटिव है. और इंटीजर्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि इनकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, ऐसे इंटीजर हो सकती है. ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, इट के नॉट बी 1.1, इट के नॉट बी 1.2, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, इट के नॉट बी इन फ्रैक्शन, इंटीजर्स होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी. तो बातचीत दिया हुआ कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं. डिस्टिंक्ट है मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दे विल नॉट बी सेम. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जो है कभी बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे. क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, दिया हुआ है. ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में. अब आगे क्या करना है, सच दैट एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो तीन चीज तो हमने यहाँ पे समझ लिया, क्या क्या दिया हुआ, पॉजिटिव है, इंटीजर्स है और डिस्टिंक्ट है. अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई बाई एक्स वाई, ऐसा कौन सा x और y वैल्यूज के लिए दिस एक्सप्रेशन विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर. मतलब कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, x और y के कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए हो सकता है. तो अब इसमें देखो क्या है, मान लेते हैं अभी इस मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है a. अब इसको भूल जाओ, जो भी अभी तक बताओ वो भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो. कोई एक नंबर है ए, मैं अगर तुमको बोलूँ कि ए में मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, और मैं एक तरफ बोलूँ ए में मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू मान लो तुम 2 रख के देख लो, ए की वैल्यू 2 रखी तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के पास आ जाएगा 7 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 10. तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने वाला बेटर होता है, ये किसी भी केस में होगा. अब तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करें और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन वाला ही वैल्यू बड़ा होगा, ये तुम कभी भी करके देख सकते हो. तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही सीन है, x में हम y ऐड कर रहे हैं और x में y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा वही नंबर बड़ा होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है x इंटू वाई, वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर ये हमेशा बड़ा होने वाला है तो देखो तुम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई. अब हम लोगों ने नीचे केस में क्या देखा, जिस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है हमेशा वो बड़ा होगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई जिस तरफ हो रहा है वो छोटा होना है. तो ये दोनों में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, राइट. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. तो अब हम कोई भी वैल्यू ले लें, हमेशा मल्टीप्लीकेशन वाला बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन वाला बड़ा होना चाहिए. तो ये इक्वेशन ही इनवैलिड हो गई है. लेकिन एक केस है, देखो अब ये तो हम लोगों ने देखा जहाँ पे कि हमने एक 5 ले लिया, मतलब हमने इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले ली. अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लेता तो अब देखो क्या हो रहा है. अब एक और सिनेरियो देखो, a प्लस 1 और a इंटू 1. अब अगर कोई एक नंबर 1 है तो जब मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू a ही रह जा रही है, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू a प्लस 1 हो जा रही है. मतलब 1 के केस में, 1 के केस में ऐड वाला बड़ा हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला छोटा हो जा रहा है. तो अगर तुम दो सिनेरियो को देखो तो मल्टीप्लाई, अगर 1 नहीं है, 1 से बड़ा कोई नंबर है, तो जो मल्टीप्लीकेशन वाला है, मल्टीप्लीकेशन विल
ऑलवेज बिगर। अच्छा स्पेलिंग पे अब ये हैंडराइटिंग को मत जाना, मैंने ऐसे लिखा है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला हमेशा बिगर होगा, बट अगर कोई नंबर वन हो जाता है तो जो समेशन वाला पार्ट है सम विल ऑलवेज बिगर। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो अब ये जो दोनों चीज हैं ये इस इक्वेशन पे भी अप्लाई होंगी, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग देख लेते हैं कि अब ग्रेटर देन वन है तब तो ये गलत हो ही गया, ये केस तो हम लोग का वैसे ही कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन वन वाले में तो ये इनवैलिड ही हो रहा है। बट अगर इसकी वैल्यू वन है तो क्या होगा, मान लेते हैं इसमें से कोई एक वैल्यू वन है, इसका मतलब समेशन पार्ट बड़ा होगा, है ना, समेशन पार्ट बड़ा होगा और मल्टीप्लाई वाला पार्ट छोटा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर समेशन वाला पार्ट बड़ा हो रहा है तो देखो x प्लस वाई बाई एक्स वाई। अब यहाँ पे कोई एक नंबर वन है क्योंकि हमने वन वाला केस माना है, बिना वन वाले में तो इनवैलिड ही हो गया सीधे सीधे। तो इसके केस में क्या हो रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, है ना, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है वो कभी भी इंटीजर में तो आ ही नहीं सकता, ये हमेशा फ्रैक्शन ही होगा क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ठीक एक बड़ा है। और x वन हो नहीं सकता, x वन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो x वन नहीं होगा। हमने y को अगर वन माना तो x हमेशा वन से बड़ा ही होगा, तो x की वैल्यू मिनिमम टू हो सकती है। अब यहाँ पे तुम टू थ्री फोर फाइव कुछ भी ले लो, ये हमेशा फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी वैल्यू सुटेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई वैल्यू वन से बड़ी है, इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू वन से बड़ी है, तब तो ये एक्सप्रेशन ही इनवैलिड हो गया था पूरा का पूरा। और अगर इन दो में से कोई एक वैल्यू वन है तो जो हम लोग का एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई है वो हमेशा फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में यह बोला हुआ कि वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, इसलिए हम लोग का दोनों ही केस में ये इनवैलिड हो जा रहा है। तो अब आंसर क्या हुआ कि ये जो सेट है, ये जो निकालना है, ये हम लोग का कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ना इस केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है ना ही इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए ऐसा एक्स और वाई का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो इस एक्सप्रेशन को ऐसा बना सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इन कमेंट्स, एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन बिलो टू गेट अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।